गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे सेफ होंगे स्वस्थ होंगे सो so अभी आप लोगों ने देखा सौरभ गए हैं बेंगलोर और उनका ऑफिस था तो अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को लेके लेट गई थी और फिर मैं अभी उठी हूँ तो बेड वगैरह सब बना रही हूँ और आज का दिन कैसा रहता है सौरभ के बिना वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दोनों बच्चों के साथ तो आई डोंट नो मुझे भी नहीं पता कि वो कैसा रहेगा बस मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया कि देखती हूँ कि कैसा दिन जाने वाला है और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ सो ब्रश वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे ये है फ्रेश फ्रेश वाटर जो कि अजवैन वाला बनता है ना अजवैन मेथी और जीरा डाल के तो स्टिल मैं अभी भी यही पी रही हूं अच्छा भी रहता है और मुझे भी मतलब मुझे भी टेस्ट वाइज ये अच्छा भी लगता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइजेशन में लेक्टेशन में ना ये वाला जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो न्यू मॉम्स को ना ये जरूर पीना चाहिए तो बस यहाँ पे मैं ये बैठ के पानी पी रही हूँ और प्लानिंग कर रही हूँ कि कैसे कैसे अभी शुरू किया जाए क्योंकि सौरभ अगर रहते हैं तो मुझे थोड़ा सा टेंशन कम रहती है आ, क्योंकि वो संभाल लेता है ना फिर अनविद को ये रहता है लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के पूरा अपना प्लान कर रही थी एक बार प्लानिंग हो जाती है ना तो फिर काम फटाक से हो जाता है और आजकल पुणे की जो मॉर्निंग है ना वो बहुत ज़्यादा चिल्ड सी हो जाती है तो इसीलिए स्वेटर वगैरह पहन के रखना पड़ता है काफी ज्यादा मतलब ठंडा लगता है मॉर्निंग में तो यहाँ पे इसीलिए मैंने अपना जो स्वेटर है ना वो पहना हुआ भी है और जज मत करिएगा क्योंकि ये जो स्वेटर है ना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टा ही पहन के रखती हूँ क्योंकि जैसा निकालती हूँ वैसे ही पहन लेती हूँ ये मेरी ना एक बचपन से ही बहुत ज़्यादा खराब आदत है कि मैं अपने स्वेटर वगैरह सर्दी में जब पहनती थी ना तो वही उल्टा पहन के ऐसे चल दिया करती थी तो ऐसा रहता है तो इसीलिए आप जज मत करिएगा तो यहाँ पे मैंने फ्रेश तुलसी तोड़ी है यहाँ पे ना मैं अनवित की चाय बनाने वाली हूँ अनमित को ना थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है तो इसीलिए यहां पे एक बढ़िया सी चाय बनाऊंगी वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ तो मैंने पानी में तुलसी ऐड की है थोड़ा सा अदरक ऐड करूंगी और ये है काढ़ा दिव्य पे जो पापा जी लेके आते हैं पतंजलि स्टोर से इसका टेस्ट भी अच्छा और उसके अंदर काफी सारी जड़ी बूटी है जो कि कोल्ड में हेल्प करती हैं तो हम लोग तो मतलब बिना कोल्ड के भी ये पीते हैं अपनी चाय में डाल के तो अच्छा रहता है ना इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी हैं तो आप लोग भी ना पतंजलि स्टोर से ला के देखेगा तो मतलब मुझे तो ये अच्छा लगा है टेस्ट वाइज और फायदे के हिसाब से तो बहुत अच्छा है तो अनवित की चाय ना मैं यही डाल के बना रही हूँ और साथ में अन्वित का जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी फिर बनाऊँगी अनवित के ब्रेकफास्ट में ना मैं वेजिटेबल ओट्स बनाने वाली हूँ तो उसकी चॉइस ना मैं रात में ही पूछ लेती हूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग क्योंकि अगर उसकी चॉइस का रहता है तो वो खा के आता है नहीं तो फिर वो नहीं खाता और उसकी पसंद का हो जाता है तो अच्छा रहता है और उसको ये भी नहीं लगता मम्मी मेरे को इग्नोर कर रही है और आप लोग सोच रहे होंगे क्रीशा क्या कर रही है एक्चुअली क्रिशा ना मतलब एक छोटी सी नैप ले रही है इस समय ना वो नैप ले लेती है तो इसलिए ना मेरा काम बहुत बार हल्का भी हो जाता है तो इसलिए मैं अपना हाथ बढ़ा के काम कर रही हूँ कि जल्दी से काम खत्म हो जाए ताकि कृषा की जब तक नैप लेती है तब तक मैं मतलब अपना जो काम है ना वो ये जो छोटा सा काम है ये बेसिकली फिनिश कर लूँ तो यहाँ पे ना मैं जीरा और ये सब डाल के जो बेसिक मसाले हैं ना वही सब डाल के बनाती हूँ वेजिटेबल्स बहुत सारी मैं डालती हूं अभी तो वैसे भी विंटर है तो लाल गाजर वगैरह सब आ गई हैं तो इसी बहाने सब मतलब वेजिटेबल्स भी चले जाती हैं बच्चों के अंदर और मन खुश भी होता है उसको मतलब वेजिटेबल्स ये सब ना शौक भी है खाने का तो मैंने उसको ऐसा मतलब बेसिकली बना दिया है तो वो वेजिटेबल्स वगैरह वे सब चीजें अच्छे से शौक से खाता है और उसकी प्रेज़ करती हैं स्कूल में मैम की ऑलवेज वेजिटेबल वाली जो भी चीज़ बोलता है और हेल्दी फूड तो वो खुश भी बहुत ज्यादा होता है तो ये है और इधर मैंने चाय में दूध डाल दिया है क्योंकि काढ़े को मैंने अच्छे से मतलब जो दिव्य पे था ना उसको अच्छे से पकाया है और अब मैं दूध डाल दूंगी और बस यहाँ पे जो ओट का उपमा है ना वो मैं सब्जियां पकने के लिए रखूंगी तब तक अनवित की चाय और मैं जो अपना दूध है ना वो बेसिकली बना लूंगी तो यहाँ पे मैंने पापा जी को और रणवित को चाय दे दी है और यहाँ पे ना मैं अपना मैंने दूध गर्म कर लिया और यहाँ पे जो मैंने बनाई थी ना पंजरी वो मैं दूध के अंदर डाल लेती हूँ और शतावरी डालती हूँ क्योंकि मुझे ना रात को पूरी रात फीड ऐसे कराती हूँ तो बहुत ज्यादा भूख लगती है और चाय मैं पीती नहीं हूं तो मुझे मतलब ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है दूध मैं पीने लगी हूं अभी क्योंकि मैंने दूध बिल्कुल बंद कर दिया था स्टार्टिंग में ना और अभी मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐसे स्टार्ट कर दिया है और ये डाल के ना मुझे मतलब अच्छा लगता है और विंटर में गरम गरम ना बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है और इधर कृषा भी उठ गई थी तो बहुत ही कैट नैप लेती है वो एकदम मतलब टू तो मिनट्स की ऐसे उसकी भी नींद बहुत कम है तो बस उसको ना मैंने ऐसे कार सीट में बिठा लिया है और ये मतलब ऐसे रोकर भी काम करती ना तो हमारे साथ ही बैठी हुई थी तो बस उसके साथ बातें करते रहो उसको अकेलापन नहीं लगता है मैं अनवित को भी चाय दे दिया मैंने भी आराम से बैठ के फिर दूध पी लिया तो ऐसे रहता है बेसिकली मॉर्निंग में ना और बहुत बार कृषा अगर रात में ज्यादा देर तक जगती है तो मॉर्निंग में थोड़ा सा देर तक भी सो जाती है लेकिन आज सुबह सभी की मॉर्निंग डिस्टर्ब रही ना क्योंकि सौरभ अर्ली मॉर्निंग चले गए थे उनकी आई थिंक सिक्स ओ क्लॉक तो शायद फ्लाइट ही थी और ये ऐसा था तो बस यहाँ पे मीन जो सब्जियाँ है ना वो भी सब पक गई थी और इसमें पानी डाल के मैंने जो ओट्स है ना पानी पका के वो भी डाल दिया और बीच बीच में कृषा को भी मैं एंटरटेन कर रही हूँ ताकि उसको ये ना लगे कि मम्मी यहाँ नहीं है आजकल उसको थोड़ा सा लगने लगा है कि उसके साथ बातें करो और मतलब मम्मी पास में होनी चाहिए मेरी आवाज़ सुन के थोड़ा सा शांत भी जाती है बहुत बार होने लगती है तो ऐसा है और अच्छा भी लगता है मुझे ना कि वो मुझे मिस करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली जो फील फीलिंग है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सा फील कराती है कि उसको मेरी मतलब मेरे मेरे को वो याद करने लगी है मुझे बहुत अच्छा फील होता है Good morning. अनवित का लंच रेडी हो गया है और अनवित गया है नीचे चाय पीने के बाद पार्क में पापा जी के साथ मैंने भेज दिया क्योंकि उसका रूटीन है सौरभ के साथ भी वो जाता है एक दो राउंड लेके आता है जैसे अब लोग भी मॉर्निंग वॉक करते हैं ना तो उसका भी मैंने ऐसे रूटीन बना रखा है कि वो मतलब मॉर्निंग वॉक करता है या फिर साइकिल का एक राउंड ले लेगा या ले 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 तो फिर अपना स्कूटर का चला लेगा ले ऐसे तो एक्चुअली क्या है ना उसको थोड़ा इमोशनल बम्स ज्यादा आते हैं सौरभ गए ना तो उस वजह से बहुत ज्यादा परेशान था तो उसको ना मतलब मैंने वही बोल रखा है कि अगर इन थ्री टू फोर डेज में वो गुड बिहेव करेगा तो उसको स्टार्स मिलेंगे और फिर uh, मतलब उसको कार मिलेगी तो वो ना गुड बिहेव करने का कोशिश कर रहा है और रोया नहीं है वरना तो हमेशा वो इतना ज्यादा रोता है आई कान टेल यू बहुत मुश्किल हो जाता है हम सब लोगों के लिए संभाल लाना इस बार ना उसने बहुत समझदारी दिखाई है तो हम लोग मतलब बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पे बस मैं गुड़िया को भी लेके आ गई हूँ इसका नैपी वगैरह चेंज करूँगी और इस समय ना धूप बहुत अच्छी आती है मेरे रूम में दो तो कृषा के लिए ना ये टाइम बहुत अच्छा रहता है तो उस समय मैं उसका मतलब ये नैपी चेंज करके ना उसको थोड़ी देर धूप में लिटा देती हूँ और आ, मतलब फ़ीड करा के धूप में लिटा देती हूँ तो थोड़ी देर वो अगर नैप लेना चाहे नैप नहीं तो वो थोड़ी देर अपने प्ले जिम से भी प्ले कर लेती है और इस समय की धूप बहुत अच्छी होती है और बच्चों को ना मतलब जो जे मतलब मीठी मीठी सी धूप आती है ना मॉर्निंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है तो ये हमें ज़रूर दिखानी चाहिए तो बस यहाँ पर मैं अभी उसको फीड करा के ना थोड़ी देर उसको खेलने के लिए छोड़ दूँगी रिशा को ना इस समय मैं क्लॉथ नैपीज लगाती हूँ और मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बहुत सारे क्लोथ नैपीज़ लिए हैं तो वो मतलब मुझे काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं तो इस समय मैं वो लगा देती हूँ इसको और बस ये अभी मैंने बताया ना आपको थोड़ी देर प्ले करेगी और मीन जो लॉन्ड्री बास्केट है वो मैं लेके आऊंगी एक्चुअली मैं पूरा अभी वेट नहीं उठाती हूँ तो ये ना सौरभ करते हैं एक्चुअली जो पूरा बास्केट है वो उठा के पूरा मशीन वगैरह में डालना लेकिन ये सब अभी मेरे ऊपर आगे ना मैं बोल रही हूँ कि काफी हेल्प हो जाती है तो मैं थोड़े थोड़े कपड़े करके लेके आऊंगी क्योंकि मैं वेट बिल्कुल भी नहीं उठाती हूँ डॉक्टर ने बोला था कि एटलीस्ट फोर टू फाइव मंथ तक वेट मतलब मत उठाना क्योंकि ठीक नहीं रहता सेक्शन में ना तो मैं अवॉइड करती हूँ तो इसीलिए जो थोड़े थोड़े कपड़े हैं ना वो करके लेके आ रही हूँ क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं आजकल और एवरी डे ही मशीन लग रही है पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं अगर एक भी दिन इसकी पोता होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो बस यहाँ पे मैंने जो मशीन है ना वो लगा दी है और काफी लोग पूछते हैं हमारी मशीन कौन सी है ये तो एक्चुअली ट्वेल्व ईयर ओल्ड मशीन है सैमसंग की है लेकिन ये काफ़ी अच्छी है फुली ऑटोमेटिक मशीन है और अब कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगी है तो शायद हमें मशीन भी चेंज करनी पड़े लेकिन अभी तो इसी से काम चलाएंगे और अभी जो उपमा है ना वो भी अनवित का रेडी हो गया है तो बस यहाँ पे मैं उसका लंच बॉक्स पैक करूँगी और लंच बॉक्स पैक करने के बाद वो थोड़ा कुछ खाएगा और उसके बाद ना उसका जो बेसिकली रूटीन है वो करना है तो पापा जी ने ना उसको नहला दिया था और मैंने फिर उसको फटाक से कपड़े पहना दिए तो ये सब सौरभ के काम हैं जो मतलब बढ़ गए हैं एक्स्ट्रा ना क्योंकि मॉर्निंग के ना मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगता कृषा के साथ अब देखो उसको मुझे छोड़ना पड़ा ऐसे रहता है तो इसीलिए ना मतलब मैं बोली थी ना मुझे पता नहीं मेरा दिन कैसे जाने वाला है और ना मैंने आपको बताया ना कि मेरे जो बैक पेन है ना वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा हो रहा है क्या मालूम क्यों तो इसीलिए ना एक एक काम करते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा टफ लगता है तो इसीलिए बस मैंने उसको फटाक से बस कपड़े पहना दिए और बस वो भगवान जी की जय जय करेगा ब्रेकफास्ट करेगा और फिर वो स्कूल को जाएगा जल्दी बोल के आज जाओ। हाँ बोलो हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ के।

मनमीत स्कूल चले गया और कृषा ना एक छोटी सी नैप ले रही थी मैंने सोचा फटाक से ना मैं भी शावर ले लेती हूँ काम भी करके खत्म कर देती हूँ वरना फिर लेट हो जाएगा और कृषा का मूड मतलब कैसा रहे क्या रहे क्या तो मेरा शावर फिर लेट ही ना हो जाए तो इस सोच के ना मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि एक एक मिनट मतलब वेस्ट ना हो और उसको अच्छे से मैं यूटिलाइज कर लूँ और ऐसा रहता है तो बस यहाँ पे अपना मैं शावर लेके आ आगे अपना जो स्किन केयर रूटीन है ना वो सब कर लिया प्रॉपर और मैंने ना अपना वीडियो शेयर किया है क्योंकि वो रिक्वेस्टेड वीडियो था आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में क्या स्किन केयर रूटीन है क्या प्रोडक्ट तुम यूज करती हो वो शेयर करना तो मैंने शेयर किया है अगर आपको चाहिए तो आप वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने आ, मतलब कोई भी हार्श केमिकल यूज नहीं किए हैं और सभी के सब ये अच्छे हैं तो आप जाके देखेगा तो बस यहाँ पे जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो सब मतलब कंप्लीट हो गया है और फ्रेश सा फील होता है ना अपना काजल लगा लो हल्का सा कुछ भी लिप टेंट वगैरह लगा लो तो बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है मॉर्निंग में ना ऐसा लगता है कि अपने आप को देख के भी अच्छा लगता है तो ऐसा है तो मेरा रूटीन आज भी वही है कि मैं मतलब कितना भी लेट हो जाए तो शावर लेके ही ब्रेकफास्ट करती हूँ उससे पहले ना मुझे ब्रेकफास्ट करना मतलब अच्छा नहीं लगता तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं जानते हैं वो मतलब इस चीज़ को अच्छे से उनको पता है अभी भी कृषा का अगर मसाज मुझे पहला करना पड़ जाए तो ब्रेकफास्ट करने में ना ऑलमोस्ट टेन फोर्टी फाइव ऐसे हो जाता है मुझे लेकिन मैं हमेशा मतलब ब्रेकफास्ट पूजा करने के बाद ऐसे ही करती हूँ तो मुझे ना एक हेल्दी रिजीम लगता है अपने लिए और बहुत अच्छा फील होता है So, सुबह से अभी कृषा भी उठ गई थी और क्रिशा के उठने के बाद मैंने उसकी मतलब अच्छे से मसाज कर दी और मसाज ना मैं खुद ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने मसाज वाली माउशे लगाई थी तो वो मैंने हटा दी क्योंकि कृषा की उन्होंने ना लगभग टेन डेज मसाज की है और क्या हुआ कि कृषा ना बहुत ही ज़्यादा रो रही थी वो मसाज भी वो इन्जॉय नहीं कर रही थी मैं मसाज करती हूँ तो वो मतलब नहीं रोती है लेकिन मौसी मसाज कर रही थी ना तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी मैंने आपको शायद पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जो ये प्रोफेशनल होते हैं ना वो शायद हथेलियों से मसाज करते हैं और बच्चे के लिए ना वो बहुत टाइट हो जाता है तो हमने भी नोटिस किया उनको हटाने के बाद ना मतलब वो मतलब फिर से वापस ठीक रहा और वो सो भी नहीं रही थी जबकि मौसी बोलती थी न, मसाज के बाद बच्चे बहुत सोते हैं और वो बिल्कुल भी मतलब इन्जॉय नहीं कर रही थी तो घर पर ना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था हर कोई यही बोल रहा था कि तुम मसाज करती हो तो कृषा मतलब सही रहती है नहीं रोती है तो इसीलिए फिर मन दुखी करके क्या फ़ायदा तो हमने मतलब उसको हटा दिया और ना मुझे बच्चों को नहलाना नहीं आता सौरभ के जाने के बाद ना मुझे सबसे सब ज़्यादा टेंशन इसी बात की थी कि मतलब मैं उसको नहलाऊंगी कैसे तो फिर मम्मी ने ना कृषा को नहला दिया तो उन्होंने बोला कि मैं नहलाया करूंगी जब तक सौरभ नहीं है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और मम्मी अनवित को भी नहलाती थी जब यूके में आई थी लेकिन मुझे अभी लगा कि थोड़ा सा एज बढ़ गया है पता नहीं मम्मी नीचे बैठ के नहला पाएंगे कि नहीं नहला पाएंगी लेकिन मम्मी ने अच्छे से मतलब कृषक को नहला दिया तो मेरा जो टेंशन है ना वो खत्म हो गया तो बस उसको कपड़े पहना के और फीड करा के मैं उसको सुला दूंगी उसके बाद बस फिर मैंने अपनी पूजा की पूजा करने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और ये करते करते पूरा ग्यारह बज गया सुबह के छः बजे से तो ये मतलब ऐसा रहा मेरा रूटीन मॉर्निंग का आगे का दिन ऐसे ही सब रहा तो मैं पूरा शूट नहीं कर पाई वो आपके साथ में कभी वो शेयर कर दूंगी तो कुछ ऐसा रहा मेरे न्यू बोर्न के साथ और मेरे एल्डर सन के साथ मेरा मॉर्निंग का रूटीन आई होप आपको अच्छा लगा होगा और न्यू जो मोम होते हैं ना उनकी लाइफ ऐसे ही बिजी रहती है टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी वीडियोस में बनाती हूँ क्योंकि मेरे मन को अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करके आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनको पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिलता है बहुत अच्छा लगता है तो चलिए आज का जो ये वीडियो है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करती हूँ आई होप आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो उसको लाइक किए बिना जाना नहीं अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी मोटिवेशन को बढ़ाएं और इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करते हैं कर सकते हैं नेहास क्रिएटिविटी मेरी आईडी है तो चलिए जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ तब तक आप रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल बाय टेक केयर बाय